लाइव टीवी, सच सबसे आगे। राम मंदिर के नाम पर योगी ने भक्तों को एक बार फिर बाबा जी का ठुल्लू थमा दिया है। राम के नाम को बेचकर हिंदुत्व का सौदा करने वाली बीजेपी अपने भक्तों को राम के नाम पर पिछले 30 साल से पोपट बनाती चली आ रही है। बीजेपी यानी भारतीय झंडू पार्टी हर बार राम के रथ पर सवार होकर चुनावी मैदान में कूदती है, भक्तों को राम के नाम पर चुना लगाती है और चुनाव बाद राम को अगले चुनाव तक बोतल में बंद करके रख देती है। 2014 में तो भक्त कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए, इसीलिए फेकू चचा को पूरे बहुमत के साथ केंद्र में और भोगी अंकल को यूपी की सत्ता में बैठा दिया। सोचा अब की बार तो राम जी बोतल से निकलकर मंदिर के अंदर विराजमान हो ही जाएंगे, लेकिन योगी के नए बयान ने भक्तों के सपनों पर पानी फेर दिया है। राम मंदिर बनाए जाने को लेकर अपने ताजा बयान में भोगी अंकल ने कहा है कि जो काम होना है वे होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। नियति ने जो तय किया है वे होकर रहेगा। भोगी अंकल ने कहा कि अब राम मंदिर की तारीख भी खुद राम जी ही तय करेंगे। स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये मंदिर पर बयानबाजी कब तक होगी, कभी मंदिर बनेगा राम का? मुझे लगता है व्यक्ति को आशावादी बनना चाहिए। कोई समय कोई, मैंने कहा ना, ये तो प्रभु राम का कार्य है और उसकी तिथि भगवान राम ही तय करेंगे, राम जी ही तय करेंगे, लेकिन जो कार्य होना है वो होकर के रहेगा, उसको टाल नहीं सकता है। नियति ने जो तय किया होगा वो होकर रहेगा। यानी भक्तों को दिन दहाड़े ठग लिया भोगी अंकल ने। राम मंदिर को लेकर भारतीय झंडू पार्टी के साथ एक नारा तो सदियों से चिपका हुआ है और वो ये है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन योगी के बयान के बाद अब वो नया नारा ऐसे भी कहा जा सकता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख राम जी बताएंगे। तो भक्तों, ताली पिटोगे या अपना माथा, ये अब तुम्हें तय करना है। भोगी अंकल ने तो तय कर लिया है कि वो राम जी का मंदिर वंदिर नहीं बनवाने जा रहे, अगर बनवाना होगा तो ये काम साक्षात राम जी ही करेंगे। तो महंत बाबा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब सब कुछ राम जी को ही करना है तो आप पिछले 30 सालों से क्या प्याज छिल रहे हैं?